महाराज मनु और शत्रुपा की जो पुत्री हैं प्रसूति, इनका विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ। तो प्रसूति और दक्ष की हुई हैं 60 कन्याएं, 60 बेटियां, और इनकी सबसे छोटी बेटी है सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। प्रजापति दक्ष ने जगदम्बा से प्रार्थना करके जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। लेकिन जब जगदम्बा आई तो आते ही कहा कि तुम मेरा अपमान करोगे तो तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी और शरीर छोड़ करके यहां वहां कहीं भी चली जाऊंगी। पुत्री का सरल स्वभाव देख के दक्ष ने बेटी का नाम रख दिया सती। सती का हृदय बचपन से भगवान शंकर की ओर आकर्षित था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सती ने खूब तपस्या की। अब भगवान शंकर प्रकट हुए। जब भगवान शंकर प्रकट हुए, सती के नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि भगवान भोलेनाथ के पैर धुल गए। भगवान भोलेनाथ ने सती को अपनी दोनों हाथों से उठा के खड़ा किया और कहा कि हे देवी, तपस्या करके अपने कोमल कोमल अंगों को क्यों जलाया। सती कहती है कि हे भगवान, मेरी इच्छा आपसे छिपी नहीं है। भोलेनाथ जानते थे, पर स्वयं सती के मुख से सुनना चाह रहे थे। लेकिन जब सती ने एक शब्द नहीं कहा तो स्वयं भोलेनाथ बोल पड़े, अद्य प्रवत्त वनतांगी तवास निदासा। हे देवी, मेरी पत्नी बनकर के आप मुझ पर कृपा करें, मेरे जीवन को अनुग्रहित करें। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे। प्रजापति दक्ष ने मना कर दिया क्योंकि शंकर का घोर विरोधी था। पर भगवान विष्णु के कहने पर प्रजापति दक्ष ने ना चाहते हुए अपनी प्रिय पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न कराया। माता पिता से विदा होकर के सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई। कैलाश पर्वत पर नित्य साधु संत बैठ करके खूब कीर्तन करते, कथा करते और सुनते। सती का भी धीरे धीरे इस सब में अब मन लगने लगा। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय, भगवान शंकर का मन राम कथा सुनने के लिए हुआ। कुंभज ऋषि के आश्रम में सती को लेकर के राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। जब राम कथा सुन के लौट रहे थे तो त्रेता युग चल रहा था, राम जी का अवतार हो चुका था, राम जी नरलीला कर रहे थे। राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण ने किया है और राम जी पशु पक्षी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा, एक पेड़ के पीछे चिपके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। जो राम जी सच्चिदानंद है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। लेकिन सती सोचने लगी कि हमारे भगवान भोलेनाथ तो स्वयं जगत के गुरु हैं और वे इस वनवासी राम को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। इसलिए पूछती है कि प्रभु ये कौन है। भगवान शंकर ने बताया कि ये मेरे इष्ट राम जी हैं, पर सती को भरोसा नहीं हुआ। अब जब सती को भरोसा नहीं हुआ, भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, यदि विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, सीता का वेश धारण किया। सोच रही है, यदि राम ब्रह्म है तो माँ कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि राम ब्रह्म नहीं है तो अभी मेरा हाथ पकड़ के कहेंगे कि सीता तुम कहाँ चली गई थी, अब भी कहेंगे। सती ने सीता का वेश बनाया, भगवान शंकर के सामने जाके खड़ी हो गई, भगवान राम जी के सामने। भगवान राम जी ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, माँ कहू बहोरी कहा मृष के तू, बिपिन अकेली फेरहू के ही है तू। प्रणाम किया माँ कह के और कहा, माँ इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, नंदी पर सवार होने वाले भूतनाथ मृष के तू कहाँ है। सती का सिर लज्जा से नीचे झुका, दौड़ती भागते हुए सती वापस चली आई। जब सती वापस आई तो यहाँ भगवान शंकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन भगवान शंकर का मन आज ध्यान करने में
नहीं लग रहा, क्योंकि सती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सती आई और पूछा कि बताओ राम जी की कैसी परीक्षा ली, सती ने झूठ कह दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ना। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस प्रणाम किया और मैं चली आई। लेकिन आज भोलेनाथ को जब भरोसा नहीं हुआ और भ्रकुटी केंद्र में जब देखा कि सती ने मेरी माँ सीता का वेश धरा है, तुरंत भगवान शंकर ने सती का त्याग किया। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है और माँ का स्थान संतान के सामने होता है, और सती से पत्नी का स्थान छीन के सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने आसन दिया है। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठ गए।